हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुना रही हूँ, उसका शीर्षक क्या है, आठ चाचा एक भतीजा। आठ चाचा थे, भतीजा एक था, लेकिन भतीजे के पास दिमाग था, ज्ञान था, और चाचा लोग मूर्ख थे। तो जैसे वो उसके पिता इंस्पायर हो गए तो अकेला बचा, तो क्या हुआ कि वो गांव में मजदूरी करता, कैसे भी करके अपने मम्मी को और अपना दोनों लोगों का पालन पोषण होता। माँ बेटे दोनों जाके किसी के यहाँ कार्य करते, और उसके चाचा लोग गुस्सा करते, किसको गांव वाले सब मजदूरी में लगाते हैं या इसका भरा पोषण हो रहा है। तो आए दिन उसको गाली देते, मारते, इस तरह करके वो उग गया। फिर वो दिमाग लगाया कि हम कैसे करें कि इन लोगों से हम विजय पा जाएं या इन लोगों से हम ऊपर जाएं। धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, उसका दिमाग भी बढ़ने लगा। तो एक दिन एक अपनी माँ से कहा कि माँ, कल चाचा लोगों को निमंत्रण दे दो। और उसके पास एक गधा भी था, तो कहे चाचा लोगों को निमंत्रण दे देना, और जब चाचा लोग आएंगे तो कह देना, गधे को ढील के कह देना, उसको बाहर कर देना, कह देना जाओ, उसका नाम था रामू, रामू को बुला ले आओ। वो खेत में काम करने गया था, तो जैसे उसको ढील दिए और खेत में न जा करके बगल में बैठा था। अब चाचा लोग आए निमंत्रण करने, उसके घर में ना खाना था ना कुछ था, गाली देने लगे। तो उस गधे को भगाई और कहीं जाओ, रामू को बुला के ले आओ। तो उसके बाद वो तुरंत रामू से आया, तो लोग खुश हो गए, करे ये तो गधा इतना जानकार है कि किसी के यहाँ बुलाने भेजो या किसी कार्य करने के लिए तो हो जाता है, कर लेता है। क्योंकि रामू को बुलाने गया था तो बगल में बैठा चला आया था, कहे रामू ये हमको दे दो। कहे मैं नहीं दूँगा। कहे नहीं दे दो। कहे नहीं दूँगा। कहे मुझसे 50,000 फियाँ ले लो। तो कहे 50 नहीं हो पाएगा चाचा, 500 देंगे तो मैं दे दूँगा। खुश होकर उन्होंने 500 उसको दे दिया और गधे को ले लिया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, जब उन्होंने गधे को छोड़ दिया तो गया खेत में, ना जा करके किसी खेत में चलने लगा, तो शिकायत आ गई। जब शिकायत आ गई तो उसको गुस्सा आया, तो फिर राजू दिमाग लगाया था, अपने माँ से कहा जैसे चाचा लोग आएंगे अगर भी गाली वाली देंगे तब मैं लेट जाऊंगा, तुम चूल्हे में एक लकड़ी लगा लेना और उस जलती लकड़ी को जाके मुझे सुहा देना, तो मैं जिंदा हो जाऊंगा। उसके पहले जैसे मैं लेट जाऊंगा तो तुम खूब रोने लगा, हाय राजू हाय राजू, इस तरह करके रोने लगना। कहे ठीक है। फिर उसके बाद वो जब गधा किसी का खेत चढ़ने लगा तो उसके चाचा आए, गाली देने लगे, उसकी माँ रोने लगी, मेरा रामू मर गया, मेरा रामू, उसे रोने लगा, हाय रामू कहाँ गए हो, कैसे करे हो, अब कैसे रहेंगे हो, मेरा राजू चला गया, इस तरह करके रोने लगी। जब रोने लगी तो उसके चाचा लोग आए, अब गाली देते तो है ये हैं, कहिए क्या हुआ। तो वही जलती लकड़ी चूल्हे के जाके रामू को छुआ दी, तो उठ के बैठ गया। अरे बाप, इस लकड़ी में इतनी ताकत है कि मरे व्यक्ति को जिला देती है। तो और खुश हो गए, अरे बाप रे, अब इसको तो हमको लेना है। फिर कहा रामू ये मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो जब नहीं दिया, कहे नहीं चाचा, कहीं कुछ असरफियाँ ले लेते, तो कहीं नहीं, कहीं मुझे 1,000 असरफियाँ देंगे तो इस लकड़ी को दे दूँगा। अब 1,000 असरफियाँ फिर उसने ले ली, अब लकड़ी को दे दिया। अब उनके घर कोई मरवा ही न भाई, तो क्या कि अपने लेबर को मारते मारते, मजदूर को मारते मारते मार डाले। जब मार डाले और उसके बाद उसको गए उस लकड़ी सुहाए, तो कैसे जिंदा हो। कहे ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ये रामू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। ये सोच क्या उसको, कहे अब इसको खूब मारेंगे। जब उनको मारना शुरू किया तो लेट गया कि जैसे मर गया हो। इसके बाद क्या हुआ, उसको एक बोरी में बांधे और रात के ले के निकल पड़े कि इसको जाके हम गंगा जी में फेंक देंगे। अब वो तो जिंदा था, मरा था नहीं। तो चलते 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 गए, तो जब नदी के पास पहुँचे तो नदी से 1 किलोमीटर पहले उन्होंने गांव था, तो गांव के थोड़ी दूर एक पेड़ था नदी के किनारे और गांव के पास में, तो उसी जगह उसकी बोरी रख दिए और सोची अब कुछ खा पी लें गाँव में ले करके। जब वो खाने गए तो बोरी को रामू जो था दांत से काट करके थोड़ा सा उसमें इसे जगह बना करके गडरिया भेड़ी चला रहा था,
तो उसी से उसको आवाज लगा, हाँ भाई आ जाओ, हाँ भाई आ जाओ। तो आया, कहा कि मैं यहाँ के देवी बोल रही हूँ, तुम मुझे इस बोरी से निकाल दो और मैं तुमको जो कहोगे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। तो सोचा सच है, उसको बोरी काट के निकाल दिया और वो कहा कि जाओ तुम, अब भेड़ी तुमको नहीं चराना होगा, तुमको सारी जो भी तुम चाहोगे तुमको मिलता जाएगा। तो भेड़ी आला चला गया भेड़ी लेकर के, और रामू उसी में क्या किया कि जो बोरी थी उसमें पियरा भर दिया, भर के सिल दिया। तो उसके चाचा रामू भागा घर, उसके चाचा लोग आए देखे, उसको बोरी को फेंक दिए, नदी में फेंक दिए। अब रामू तो घर पहुंच गया है और उसमें पियरा भरा था, उसमें फेंक दिया। फेंकने के बाद आए एक दो दिन बाद रामू फिर दिखाई दिया, पहले छिपा था घर में, फिर दिखाई दिया। अब उसकी माँ बीच बीच रोने लगती कि मेरा रामू चला गया, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, इस तरह सोचने लगा। फिर जब चार पाँच दिन बाद या दो तीन दिन बाद रामू निकला, उसके चाचा लोग पूछे कि कस रामू कहाँ थे। कहे अरे चाचा, जिसको नदी में फेंका जाता है वो तीन चार दिन बाद खूब ढेर सारा संपत्ति लेकर के अपने घर आ जाता है, इसी तरह मेरा हुआ। अरे रामू, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति हो गई। कहे हाँ, मेरे पास बहुत संपत्ति हो गई, हम वहाँ से जो नदी में देवता रहते हैं, भगवान रहते हैं, उन्होंने कहा कि तुम जाओ तुम्हारे पास ढेर सारी संपत्ति हो जाएगी, तो मैं चला आया हूँ। तो सारे चाचा, आठों चाचा थे, तो कहे अरे रामू मुझे भी ले चलो नदी में फेंक दो। तो सारे को ले आया, बोरी में भर के नदी में फेंक दिया और सारे बह गए, मर गए। जितनी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति सारी रामू को मिल गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी न संख्या का महत्व होता है, न पैसे का महत्व होता है, बल्कि ज्ञान का महत्व होता है। व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करना चाहिए। देखिए, रामू अकेला था, उसके आठ चाचा थे, लेकिन लास्ट में विजय किसको मिलती है, अंत में रामू को मिलती है। कहा भी गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। थैंक यू।